हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, यू माय टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करेंगे। इसमें दी देखिए क्या है, यूज द आइडेंटिटी, मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करना है। कौन से यूज करेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस ए सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पुटिंग करना है, और पुटिंग के लिए वैल्यू क्या होगी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। और जब ये पुटिंग वैल्यू आप कर देंगे तो उसका आंसर क्या देगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व फॉर्मूला को कौन सा लगाना है, यहाँ पे एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स क्या लेंगे, बी क्या लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग वैल्यू होगी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी ए, फिर यहाँ पे देखिए एक्स और ये क्या हो जाएगी बी, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आपकी एक्स होगी, फिर ए, फिर एक्स और ए। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो आपको वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है कॉर्नर में, x इक्वल आप क्या पुट करेंगे, x, और a की जगह में क्या पुट करना है, a की जगह हम पुट करेंगे प्लस प्लस 3, और b की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे प्लस 7, हमें ये वैल्यू पुट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला पता है आपको कि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू, अब हमको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है, तो पुटिंग का वैल्यू कर देते हैं। देखिए एक्स की जगह हमें एक्स पुट करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए की जगह क्या पुट करना है, 3, प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, बी की जगह हमें 7 पुट करना है, और यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में एक्स हमको लेना था, प्लस ए की जगह हमको क्या मल्टीप्लाई पुट करना है, 7, और बी की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट, ए की जगह 3 पुट करना है, बी की जगह 7 पुट करना है। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 क्या होता है, 10, 10 हो गया, एक्स है, एक्स राइट कर दिए। अब 3 7 से क्या होता है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 7 से हो जाएगा 21, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ये आंसर हमने सॉल्व कर लिया, मतलब आप ये यूज द आइडेंटिटी से हम इसको इजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये थर्ड नंबर बताता हूँ, थर्ड नंबर कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी आप देखिए पैटर्न क्या लेंगे, सेम आपको यही है, हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 4x, अब यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 4x, और a की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए a की जगह हमको लेना है माइनस 5। यहाँ पे देखिए ये भी x की वैल्यू सेम है, और ये भी यहाँ पे x की वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की जा रही है। और हम b की जगह क्या लेंगे, b की जगह हमको लेना है माइनस 1, क्योंकि इसके साथ हम जो सैंपल होगा वो भी हमको यहाँ पे इसके साथ लेना है। अब सॉल्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का, x प्लस ए सेकेंड ब्रैकेट x प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमको क्या करना है, पुटिंग करना है, तो देखिए फॉर्मूले में पुट क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पुट करना है, तो x की जगह क्या पुट करना है, 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, और स्क्वायर लगाया फॉर्मूले में तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन ब्रैकेट, ए की जगह क्या पुट करना है, ए की जगह पुट करना है माइनस 5, बी की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1, और यहाँ पे क्या है एक्स की जगह हमको पुट करना है 4x, प्लस ए की जगह सेम पुट करना है माइनस 5, एंड बी की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 16, और x का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 और माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4x भी है, ये राइट कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या जाएगा 5 5, तो 16x2, देख लीजिए 4 5 हो जाएगा, सॉरी 4 6 हो जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, एक्स भी है और एक्स भी लगा देंगे। अब यहाँ पे सैंपल कौन सा लगेगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 5, तो ये थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको
क्वेश्चन नंबर सेकंड कि अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। सेकंड नंबर का हम फिफ्थ नंबर सॉल्व करते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है सेम जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की थी इसी आइडेंटिटी से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे देख लेते हैं, x इक्वल हमको लेना है क्या 2x, a की जगह क्या लेंगे देखिए यहाँ पे x a x y, a की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5y एंड b की जगह हमको क्या पुट करना है देखिए यहाँ पे b की जगह क्या लेंगे 3y, क्योंकि पैटर्न क्या बनता है x x a और x y होता है। तो इसमें आइडेंटिटी यूज कर देते हैं सॉल्व 2x प्लस 5y ब्रैकेट क्लोज 2x प्लस 3y। तो यूजिंग द आइडेंटिटी क्या हो जाएगी देखिए यूजिंग द आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है x प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्या होता है x प्लस बी होता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है पुटिंग करना है, पुटिंग कर देते हैं x की जगह हमको पुट करना है 2x, तो यहाँ पे 2x करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a की जगह हमको क्या पुट करना है देखिए a की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 5y प्लस b की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है हमको 3y पुट करना है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस a की जगह हमको सेम 5y पुट करना है और मल्टीप्लाई b की जगह क्या पुट करेंगे 3y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई, अब आप 2 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आता है 4, 2 जो 4, x का स्क्वायर फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस देखिए 5y प्लस 3y इक्वल क्या होता है 5 3 जाए 8y हो जाता है, तो 8y हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 2x था तो 2x ऐड कर देते हैं प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 5 3 जाए 15 है मल्टीप्लाई करते हैं पहले क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो 5 3 जाए 15 और y मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 हो जाए 16 xy प्लस 15 y स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया आइडेंटिटी से हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं ये आइडेंटिटी से आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट।